My beautiful people, how are you all? I am your friend Manu. Welcome to my channel, My Life, My Space. तो friends, आज हम बनाने जा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, कुल्थ की दाल. इसे इंग्लिश में शायद हॉर्स ग्राम कहते हैं. ये बहुत न्यूट्रिशियस और फायदेमंद होती है. तो आइए बनाएं कुल्थ की दाल. यहाँ क्योंकि जहाँ हम रहते हैं यहाँ गर्मियां काफी पड़ती हैं, इसलिए मुझे इसे ओवरनाइट भिगोने की जरूरत नहीं थी. मैंने एक 5-10 मिनट इसे भिगोया है और यहाँ मैंने अपना जो प्रेशर कुकर है उसे प्री हीट कर दिया था. तो ये मैं इसमें यहाँ डाल देती हूँ और ये मैंने ये दाल डाल दी. ये एक कप दाल है तो ये 3 लोगों के लिए बहुत काफी हो जाएगी. और इसमें थोड़ा और पानी डाल दिया मैंने, अराउंड 3 कप्स. और इसमें यहाँ पे ये जो ये तड़के का सामान है और ये अभी स्पाइसेस इसमें मैं ऐसे डालूंगी. थोड़ी सी मैं ये डाल दूंगी हींग, लाल मिर्च, हल्दी और स्वादानुसार नमक. और बाकी के मसाले हम तड़के में डालेंगे. तो ये गई हल्दी, ये हींग, ये चली गई हमारा नमक, हल्दी और हमारा रेड चिली पाउडर चला गया. और चाहिए तो हम इसको जीरे को भी डाल सकते हैं. मैं बाद में भी थोड़ा सा जीरा तड़के में डाल दूंगी. और इसको अब हम प्रेशर कुक कर लेते हैं. ये देखिए हमारी दाल अच्छे से बन गई है. अब इसमें एक तड़का लगा देंगे. यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल में लगा रही हूँ और बाद में असली घी डालेंगे. तो इसमें 1-2 टेबलस्पून डाला है मैंने ग्राउंडनट ऑयल. और उसमें डालेंगे हम जीरा अबाउट 2 टीस्पून. और ये हम डाल देंगे लाल मिर्च और इसको थोड़ा सा इसे ब्राउन सी हो जाए तो हम डाल देंगे हमारे गार्लिक जो हमने चॉप किए हैं और साथ साथ में चॉप जिंजर और थोड़ी थोड़ा सा हिला लेंगे. और साथ साथ डाल देंगे हम ये पतंजलि की हींग, बहुत बढ़िया है. अपने देश में बनी चीजों से मुंह ना छिपाइए, उन्हें यूज कीजिए, तभी आपको पता लगेगा कि वो अच्छी है या नहीं. बहुत अच्छी हींग है ये, जरूर आप यूज कीजिए. ये मेरा कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है पतंजलि के लिए, पर मैं वैसे बता रही हूँ. और ये फिर आप प्याज भी डाल दीजिए. इसमें मैं टमाटर भी डालती हूँ क्योंकि टमाटर क्या करता है फ्रेंड्स, जो दाल का टेस्ट है उसको दबा देगा. क्योंकि दाल का टेस्ट रहना चाहिए, इस करके मैं इसमें टमाटर नहीं डालती. तो अभी थोड़े से हम ब्राउन कर लेंगे अनियन और फिर हमारा तड़का तैयार हो जाएगा, हमारी दाल बन जाएगी. फ्रेंड्स ये हमारा तड़का बनके तैयार हो गया है. और अब इसमें हम थोड़े से ये स्पाइसेस डाल देंगे. इसमें डालेंगे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हम कोरिएंडर पाउडर और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला. और इसको थोड़ा सा स्टर कर देंगे और हम अपना तड़का इसमें प्रेशर कुकर में लगा डाल देते हैं. तो ये तड़का हमारा लग गया, ये आज कुल्थ की दाल बनी है. ये फ्रेंड्स बहुत ही न्यूट्रिशियस है जैसे मैंने बताया. इसे आप जरूर अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए. सर्दियों में तो ये बहुत ही बढ़िया लगती है और अभी भी जैसे बारिशें हो रही हैं तो आप जरूर हफ्ते में एक बार तो इसे खाइए. ये जो डायबिटीज 2 टाइप है उनके लिए भी बहुत अच्छी रहती है ये दाल. स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत बढ़िया है ये दाल. हार्ट हेल्दी तो है ही और साथ साथ ये जिन्हें अपना वजन कम करना है उनके लिए भी एक नियामत ही है. तो ये हमारी दाल गर्म है, हम इसको यहाँ भूनती कर देते हैं. तो अब प्रेशर कुकर में से दाल हम अपने दूसरे बोल में निकाल देते हैं. ये हमने यहाँ पे निकाल दी अपनी दाल फ्रेंड्स. और इसमें हम गार्निश कर लेंगे हमारे जो मेरा बहुत फेवरेट हर्ब है इसके साथ, यानी कि कोरिएंडर लीव्स के साथ. ये 4 चांद लगा देता है खाने में.
खाने की रंगत बढ़ाता है हरा धनिया यानी कि कोरिएंडर लीव्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुल्थ की दाल बनकर तैयार है। आप भी इसे जरूर बनाइए। मैं आशा करती हूँ कि आपकी दाल भी इतनी ही स्वादिष्ट बनेगी जैसे कि आज मेरी बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राइट साइड पे जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट कीजिए। आपके ऐसे करने से जो भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जरूर जाइए, वहां पे आपको मेरी सभी रेसिपीज की जानकारी डिटेल में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।